अगर मर्द औरत की तीन चीज़ों को हाथ लगाता है तो औरत फौरन हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन के आप जानते हैं कि जब औरत हमबिस्तरी की तलबगार होती है तो उसके जिस्म में तीन चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। उसका जिस्म ढीला पड़ जाता है, शर्मगाह में दर्द होने लगता है और उसके जिस्म पर सख्त सर्दी में भी पसीना आता है। लेकिन बाज़ औरतें इंतहाई ठंडी मिजाज ही होती हैं, उनके जिस्म में हमबिस्तरी की ख्वाहिश बहुत मुश्किल से उभर आती है। ऐसी औरतें हमबिस्तरी के दौरान मर्द को बहुत मज़ा भी नहीं देती। जब तक मर्द ऐसी औरत को हमबिस्तरी के लिए पहले से जिंसी और जिस्मानी तौर पर तैयार ना कर ले। और औरत को हमबिस्तरी के लिए तैयार करने के लिए जब मर्द औरत की तीन चीज़ों को हाथ लगाता है तो औरत हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। औरत की कमर पर हाथ फेरना। मर्द जब औरत को हमबिस्तरी के लिए तैयार करता है तो उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके गर्दन और होंठों को किस करते हुए जब औरत की कमर तक पहुंच जाता है और उसकी कमर पर हाथ फेरता है तो औरत की शहवत की आग इस वक्त भड़क उठती है, क्योंकि औरत की कमर बहुत ज़्यादा हसास होती है। अगर मर्द हमबिस्तरी से मज़ा लेना चाहता है तो कम से कम 5 मिनट के लिए औरत की कमर पर हाथ फेरा करें, उसे उल्टा लिटा कर उसकी कमर पर हाथ फेरें। औरत फौरन हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाएगी, जिस्म को नंगा करके पेश कर देगी और हमबिस्तरी के दौरान मर्द की चीखें निकाल देगी। नंबर 2, औरत की छाती को हाथ लगाना। अगर मर्द औरत को हमबिस्तरी के लिए तैयार करना चाहता है और उसकी शर्मगाह में शहवत की आग लगाना चाहता है तो उसे चाहिए कि हमबिस्तरी से पहले औरत की छाती को हाथों से दबाएं, हाथों से छाती को पकड़ कर रगड़ें, उसको मुंह में लेकर चूसता रहे और छाती के निपल के ऊपर अपनी ज़बान फेरता रहे। मर्द की इस हरकत की वजह से औरत अपने जिस्म पर जिंसी इख्तियार खो देती है। बाज़ औरतें तो छाती के चूसने से ही फारिग हो जाती हैं और बाज़ लड़कियों की शर्मगाह में जब मर्द नफ्स डालता है तो 2 झटके लगाने से औरत फारिग हो जाती है, क्योंकि औरत पहले से हमबिस्तरी के लिए तैयार होती है। नंबर 3, बालों में हाथ फेरना। अगर मर्द औरत के बालों को हाथ लगाता है, उसमें हाथ फेरता है तो इससे औरत हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जब मर्द औरत के अपने बाहों में लेकर उसके बालों में हाथ फेरकर खूबसूरत बातें करता है तो इससे औरत को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब मर्द औरत के बालों में हाथ फेरता है, औरत के बालों की मालिश करता है तो इससे औरत का जिस्म ढीला पड़ जाता है, इसे नींद आ जाती है और मर्द औरत की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर औरत के साथ सारी हदें पार कर लेता है, इसके होंठों और उसके गर्दन को किस कर लेता है, जिसकी वजह से औरत में शहवत आ जाती है और हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है।